सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा, उमेश यादव को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल सबसे ज्यादा रोमांचक रहा है। आपको बता दें कि पहले दिन के खेल में ही भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को 150 रनों पर समेट कर रख दिया था। इसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज कुछ ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई जिसकी अपेक्षा शायद बांग्लादेश की टीम के गेंदबाजों ने सपने में भी नहीं करी होगी। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि भारतीय टीम की शुरुआत पहले दिन में अच्छी नहीं रही थी। रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो वहीं दूसरे दिन के खेल में विराट कोहली 0 के स्कोर पर अपना विकेट बैठे। लेकिन इसके बाद मैदान में जिस तरीके की बल्लेबाजी आज मयंक अग्रवाल ने करके दिखाई, उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल ने 301 गेंदों का सामना करके न सिर्फ अपना दोहरा शतक पूरा किया कि भारतीय टीम का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस खिलाड़ी के दोहरे शतक के चलते ही भारतीय टीम का स्कोर 400 के पार बड़ी आसानी से जा सका। सभी इस बात की अपेक्षा करने लगे थे कि मयंक अग्रवाल जब इतने पास आ चुके हैं 300 रनों के, तो वह अपना 13 शतक जरूर पूरा कर सकते हैं। लेकिन 330 गेंदों खेलने के बाद मयंक अग्रवाल की यह पारी 243 रनों पर समाप्त होकर रह गई। लेकिन दोस्तों, मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी के बाद जो मैदान में हुआ वह तो और भी ज्यादा रोमांचक था। अब मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे रविंद्र जडेजा और उमेश यादव, और इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अंतिम पलों में कुछ ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई जो कि T20 मुकाबलों में भी नहीं होती। दोस्तों, रविंद्र जडेजा तो क्रीज पर सेट थे, लेकिन जैसे ही उमेश यादव को रिद्धिमान साहा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तो उन्होंने मैदान में आकर कुछ इतने आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करी कि 9 गेंदों में ही उनके खाते में 25 रन जुड़ चुके थे। उमेश यादव इस दौरान 310 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से केवल छक्के और चौके ही निकल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा का भी कॉन्फिडेंस अब बढ़ चुका था और उन्होंने भी बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा जहां महज 75 गेंदों का सामना करके 2 छक्के व 6 चौकों की मदद से 60 रनों पर पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उमेश यादव तो कुछ अलग ही गियर में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके खाते में 3 चौके व 1 चौका दर्ज था, जिसका मतलब 25 में से 22 रन तो उमेश यादव ने महज बाउंड्री से ही निकाले थे। लेकिन दोस्तों, उमेश यादव ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से सही मायनों में मंच का स्तर बढ़ा दिया था पारी के 113वें ओवर में। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस ओवर में उमेश यादव ने तीसरी व चौथी गेंद पर लगातार 2 गेंदों पर 2 आगे बढ़कर छक्के जड़ दिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दौरान उमेश यादव कितने बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहे थे। कभी उमेश यादव स्ट्रेट में छक्का जड़ देते तो कहीं पुल शॉट मारकर। आपको बता दें कि उमेश यादव की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखने के लिए भारतीय टीम के स्टैंड्स में तो जैसे जमावड़ा ही लग गया था। सभी खिलाड़ी उमेश यादव की परफॉर्मेंस को देखने के लिए जमा हो चुके थे और सब बेहद खुश भी थे। खैर दोस्तों, बात चाहे कुछ भी हो, अंतिम पलों में जडेजा और उमेश यादव की शानदार बल्लेबाजी ने मैदान में बैठे सभी दर्शकों का जमकर मनोरंजन भी किया। आपको बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ही भारतीय टीम 6 विकेट गंवाकर 493 के स्कोर पर पहुंच गई है, और अभी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ही भारतीय टीम बांग्लादेश की टीम को पहली इनिंग में ही 343 रनों की बड़ी लीड दे चुकी है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि भारतीय टीम अब एक बेहद ही भारी भरकम बड़ा लक्ष्य देगी बांग्लादेश की टीम को, और इस बात में कोई शक नहीं कि इस टेस्ट मैच को अब भारतीय टीम को जीतने से तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उमेश यादव, मयंक अग्रवाल व रविंद्र जडेजा की इतनी शानदार व रोमांचक पारियों को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।